एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हो व्हाइल लूप यूज करके, तो इसका हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एल्गो को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए लिखेंगे स्टार्ट एल्गो, और व्हाइल लूप में सबसे पहले हमें एक नंबर देना होगा जो कि वेरिएबल होगा हमारा। उसकी इनिशियल वैल्यू को हमें देना होगा, जो कि हम मान लेते हैं आई हमारा वेरिएबल है और उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप लगा देंगे और लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10। यानी यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि i की इनिशियल वैल्यू जो है वो है 1, और उसकी कंडीशन जो होगी लास्ट लिमिट की वो होगी 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहे, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब एग्जीक्यूट क्या होगा, हमें प्रिंट करना है i की वैल्यू को। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट i, इसका मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि i में 1 के बाद 2 आना है या 1 के बाद 3 आना है, यानी इंक्रीमेंट कितना होना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू i प्लस 1। तो ऐसे करके क्या होगा, i की इंक्रीमेंट वैल्यू जो है 1 से इंक्रीमेंट होती रहेगी और ये लूप आगे चलता रहेगा। हमें i की वैल्यू को प्रिंट करना था, ये हमने कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इस लूप को एंड कर देंगे। और इतना ही काम हमें इस एल्गोरिथम में करना था, तो हम एल्गो को भी एंड कर देंगे। तो एंड एल्गो। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा एक हमने एल्गोरिथम लिखा है, व्हाइल लूप को इनिशियल लेवल पर स्टार्ट किया है। तो अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।